आचार्य, आप कहीं जा रहे हैं? योजना को कार्य रूप देने का समय आ गया है। नियति रच रही है अपना खेल, किंतु एक बात सदैव याद रखना, नियति मात्र संयोग नहीं, मनुष्य के समक्ष उपलब्ध एक विकल्प मात्र है। उचित समय पर उचित विकल्प का उपयोग ही बुद्धिमत्ता है, किंतु सब कुछ नियति के हाथों छोड़कर बैठने वाले लोग ना तो कभी कुछ बन पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं। मैंने सदा कहा है, वर्ष भर में फल चाहिए तो धान की बुवाई करो, 10 वर्षीय योजना हो तो पेड़ उगाओ, और योजना यदि जीवन भर की हो तो लोगों को शिक्षित करो। अति बुद्धिमान क्या होता है? सामान्य बुद्धि चातुर्य से कुछ अधिक। संकट में बुद्धिमान नहीं वो बचेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक हो, जिसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया हो, वही संकट से बच पाएगा, और यही सार्वभौमिक नियम है। यह मानव प्रवृत्ति है, स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति। जब भी वो किसी संकट में होता है तो विजय के लिए पूरे प्राणपण से अपने हाथ पांव मारता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति में डाल दो, वो कुछ ना कुछ करके अपना अस्तित्व बचा ही लेगा। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्रगुप्त, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्रगुप्त, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है, इसलिए चाहे जितना संभव लगे निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रगुप्त, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो ताकि वो अपना सर ही ना उठा।